Hello students, in this video we discussed about the class 9th chapter 1 matter in our surroundings, yani ki hamare aas paas ke padarth. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particles of sand, everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. Dekhiye students, अपने चारों ओर अगर अपन नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं जो अलग अलग शेप और साइज की होती हैं और उनका टेक्सचर भी अलग अलग होता है. इस यूनिवर्स में जो भी मटेरियल बने हैं और वो जिस सब्सटेंस से बने हैं उसे हम मैटर कहते हैं. हम अपने चारों ओर जो भी मटेरियल देखते हैं, जो भी सब्सटेंस देखते हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो स्टोन्स हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो क्लाउड्स हो, चाहे वो स्टार्स हो, वे सब जिस भी सब्सटेंस से बने हैं उसे हम मैटर कहते हैं. हमने जिस भी सब्सटेंस की बात की है वो सभी अपना कोई ना कोई मास रखते हैं, उनका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, यानी कि वो स्पेस कवर करते हैं और उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई स्पेस भी होता है. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स. आदि काल से ही या फिर अपन कहें प्राचीन काल से ही जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने सराउंडिंग्स को समझने का प्रयास कर रहा है. अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. अगर हम एंशियंट फिलोसफर्स की बात करें तो उन्होंने मैटर को पांच तत्वों में बांटा है. वो है एयर यानी कि हवा, अर्थ यानी कि धरती, फायर यानी कि अग्नि, स्काई यानी कि आकाश और वाटर यानी कि जल. इन पांच तत्वों में उन्होंने हमारे पूरे के पूरे मैटर को क्लासिफाई किया है. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग was made up of these five basic elements. अब चाहे इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो या फिर लिविंग थिंग हो, इन्हीं फाइव बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है. एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट द सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. उस समय के जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने भी मैटर को इसी प्रकार से क्लासिफाइड किया था. In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters. इस चैप्टर में हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. फॉर ए लॉन्ग टाइम two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought the matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? अब देखिए, बहुत समय तक हमारी जो नेचर है वो किस तरीके से बनी हुई है इसके ऊपर दो अलग अलग विचारधाराएं चल रही थी. स्कूल्स ऑफ थॉट्स का मतलब दो अलग अलग तरह की विचारधाराएं होना. उसमें एक विचारधारा का मानना था कि जिस तरीके से कोई वुडन ब्लॉक है वो कंटिन्यूस होता है, ठीक इसी तरीके से जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, वो भी कंटिन्यूस है. लेकिन अदर स्कूल ऑफ थॉट का मानना है कि जो सब्सटेंस है या जो मैटर है वो सैंड पार्टिकल्स की तरह से बना हुआ है. तो एक एक्टिविटी के द्वारा अब हम डिसाइड करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट. एक्टिविटी 1.1. टेक ए 100 ml बीकर
Fill half the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt, sugar with the help of glass rod. Observe any change in water level. What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? देखिए हम एक 100 ml का बीकर लेते हैं, उस बीकर को हम आधा भरते हैं और उसमें हम नमक या चीनी डालते हैं और उसे ग्लास रोड की सहायता से डिसॉल्व करते हैं। अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो साल्ट और शुगर हमने ऐड की है, उसका क्या हुआ? क्या वे डिसअपीयर हो गए? क्या वाटर लेवल में कोई चेंजेस आया है? इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस, वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, साल्ट और शुगर, has now spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1. अब देखिए ऊपर जो भी questions हैं, उनका अगर answer चाहिए, तो हमें ये मानना होगा कि जो matter है, वो छोटे-छोटे particles से मिलकर के बना है. और water molecules के बीच में जो particles हैं, उनके बीच में salt और sugar के particles mix हो गए हैं. और वो salt और sugar पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। तो जो मास की जो एसआई यूनिट है, वो किलोग्राम है। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, सच डेट 1 liter इक्वल 1 decimeter क्यूब। तो 1 liter इक्वल 1000 ml और 1 ml इक्वल 1 centimeter क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 centimeter मल्टीप्लाई 1 centimeter मल्टीप्लाई 1 centimeter। तो जब अपन इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारे सामने जो होगा, 1 centimeter क्यूब आएगा। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आखिर ये पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं? एक्टिविटी 1.2, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। Take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. Take out 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clean water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Is the water still colored? इस experiment के लिए हम 100 ml water लेते हैं और उसमें potassium permanganate को dissolve करते हैं। अगर हमारे पास पोटेशियम परमैग्नेट नहीं है, तो हम इसके लिए इंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम 5 टू 10 ml इंक लेंगे या फिर 2 टू 4 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैग्नेट लेंगे। जब हम उसे अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे, तो हम इस सॉल्यूशन में से 10 ml को निकालेंगे और उसे 100 ml दूसरे फ्रेश वाटर के अंदर ऐड कर देंगे। हम देखेंगे उसमें भी कुछ न कुछ कलर रहता है, और उसमें से भी फिर हम क्या करेंगे, 10 ml लेंगे और नए 100 ml वाटर के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से हम 8 टू 10 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास जो 100 ml वाटर है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कलर आता है। तो हम कह सकते हैं, देखिए पार्टिकल्स कितने छोटे-छोटे हैं और वो आगे से आगे अपना असर दिखा रहे हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। So, we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep one dividing themselves into smaller and smaller particles. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even or repeated dilution. अब देखिए, ये वाला जो experiment है, हम इंक के साथ कर सकते हैं, हम डेटोल के साथ कर सकते हैं, या फिर पोटेशियम परमैग्नेट के साथ कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि वो सारे के सारे सब्सटेंस कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। इनको बार बार डाइल्यूट करने के बाद भी ये अपना कलर या अपनी स्मेल दिखाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेस आर फाउंड बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड देयर इज एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो पदार्थ के कणों के बीच में स्पेस होता है। इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, साल्ट, डेटोल और पोटेशियम पर मैग्नेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमोनेड, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इन टू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। दिस शोज दैट देर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखिए एक्टिविटी 1.1 और 1.2 के अंदर हमने देखा कि जो साल्ट है, शुगर है, डेटोल है, पोटेशियम परमैंगनेट है, इनके पार्टिकल्स वो पानी के अंदर जो समान रूप से है डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो भी पदार्थ के जो कण हैं, जो पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं, वो पूरे के अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर हम चाय लेते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी जगह पर मीठा कुछ ज़्यादा है या पर्टिकुलर किसी जगह पर कम है। अगर हमने अच्छे से उसे बनाया है तो हम देखेंगे वो पूरी चाय एक जैसी है। लेमनेड है, उसका टेस्ट, पूरा लेमनेड का टेस्ट एकदम एक जैसा है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूस मूविंग। देखिए इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हम एक इंसेंस स्टिक लेते हैं, यानी कि हम एक अगरबत्ती लेते हैं, उसे हम क्लास के या किसी रूम के कॉर्नर में रखते हैं। क्या हमें उसकी स्मेल आ पाएगी? हमें उसकी स्मेल लेने के लिए उसके कितना पास जाना होता है, लेकिन जैसे ही हम उसे जला देते हैं तो हमें कितनी दूरी से उसकी स्मेल आ जाती है। अब हमें यहाँ पर यही ऑब्जर्वेशन करना है कि जब हमने अगरबत्ती को जब तक जलाया नहीं था, हमें उसकी स्मेल लेने के लिए कितना पास जाना पड़ा था, और जब हमने एक बार उसे जला दिया तो उसकी स्मेल हमें कितनी दूरी तक आती है। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी में हम दो पानी से भरे बीकर या दो पानी से भरे ग्लास लेते हैं। एक के अंदर हम एक कुछ ड्रॉप्स इंक की डालते हैं और एक के अंदर हम जो हनी या शहद लेते हैं, और हम ऑब्जर्व करते हैं कि उस इंक को पूरे ग्लास में या बीकर में फैलने में कितना समय लगता है और उस जो शहद की बूंद को जो है फैलने में कितना समय लगता है। अब देखिए हम एक एक्टिविटी और करते हैं। इसमें हम एक ग्लास में गर्म पानी लेते हैं और एक ग्लास में ठंडा पानी लेते हैं, और उसमें कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट दोनों में से किसी एक के क्रिस्टल डालते हैं, और बिना हिलाए, बिना डिसॉल्व किए, बिना स्टियर किए हम उसे रख देते हैं। कुछ समय बाद हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम देखते हैं क्या वो डिसॉल्व हो गया है और उसे डिसॉल्व होने में कितना समय लगा है, गर्म पानी में डिसॉल्व जल्दी हुआ या फिर ठंडे पानी में। अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को चेंज कर दें तो फिर क्या फर्क आता है। फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर जो तीन एक्टिविटीज हमने की 1.3, 1.4 और 1.5, उससे हम कुछ जो कंक्लूजन निकालते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पजेस what we call the kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster. So, we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. अब देखिए तीनों activities से हमने conclusion निकाला कि जो भी matter है उनके particles जो moving करते हैं गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें kinetic energy होती है। We know that हर मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व डैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। We also observe that on heating, diffusion become faster.
Why does this happen? अब देखिए ऊपर जो भी हमने एक्टिविटीज में देखा, हमने देखा जो सब्सटेंस हैं, जो मैटर हैं, उनके पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं। ऐसा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस के कारण होता है, और दो डिफरेंट टाइप्स के मैटर का इस तरीके से मिलना ही डिफ्यूजन कहलाता है। और हमें यह भी पता चलता है कि हीटिंग के कारण जो डिफ्यूजन है वो फास्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं हीटिंग के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैटर की इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक फोर ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। अब देखिए इस गेम को हमें फील्ड में खेलना है, मैदान में खेलना है, और इसके लिए हमें जो ह्यूमन चेन बनानी है और फोर ग्रुप्स बनाने हैं। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लोक आर्म्स लाइक इदुमिश्मी डांसर्स। जो पहला ग्रुप हमें बनाना है वो अपने आप को कुछ इस तरीके से पकड़े जैसे कि बिहू डांसर्स अपने आप को पकड़ते हैं। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन, और जो दूसरा ग्रुप है एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक ह्यूमन जो चेन बनाए। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाई टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स, और जो तीसरा ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ फिंगर टिप्स को छू कर के एक चेन बनाए। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द थ्री ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। और चौथे समूह को हमें ये कहना है कि आप इन तीनों चेन्स को ब्रेक कीजिए, जितना छोटा ब्रेक कर सकते हो उतना छोटा ब्रेक कीजिए। विच ग्रुप वॉज द इजीस्ट टू ब्रेक एंड वाई, इसमें से किस ग्रुप को ब्रेक करना सबसे इजी होगा और ऐसा क्यों होगा? इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। हमें यहाँ पर हर स्टूडेंट को एक पार्टिकल की तरह मानना होगा। अब जितने स्टूडेंट जितने कॉम्पैक्टली पैक थे उनको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, और जो जितने दूर थे जितने लूज पैक थे उनको ब्रेक करना उतना ही आसान होगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो सब्सटेंस होते हैं अगर वो कॉम्पैक्टली पैक हैं तो उनको ब्रेक करना मुश्किल होगा, वहीं अगर उनकी पैकिंग लूज है तो उनको ब्रेक करना इजी होगा। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पर डिस्कशन करते हैं। टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। इन विच ऑफ द अबोव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टूगेदर विद ग्रेटर फोर्स। हम एक लोहे की कील लेते हैं, एक चौक का टुकड़ा लेते हैं और एक रबर बैंड लेते हैं। उसे हम थोड़ी सी तोड़ने का प्रयास करते हैं, उसे हम काटने का प्रयास करते हैं, उसे हम स्ट्रेचिंग करते हैं। हम देखते हैं इन तीनों में से किसको तोड़ना आसान था। हम देखेंगे चौक के पीस को तोड़ना आसान था, वहीं रबर बैंड को स्ट्रेचिंग करना आसान था। आयरन की नेल को काटा तो जा सकता है लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो कॉम्पैक्टली पैक है। वहीं चाक के जो पीस हैं वो कॉम्पैक्टली पैक नहीं है, वो थोड़े से फोर्स के साथ ही टूट जाएंगे। वहीं रबर बैंड उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी पर हम डिस्कशन करते हैं। टेक सम वाटर इन कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, What could be the reason behind the surface of water remaining together? अब देखिए इस एक्टिविटी के लिए आप या तो एक कंटेनर में पानी ले लें या टैप को ऑन कर दें और उस वाटर को आप अपने अंगुली से कट करें। अब आप देखेंगे जैसे ही आप वाटर को कट करते हैं वाटर के पार्टिकल्स वहां से दूर हो जाते हैं लेकिन तुरंत बाद में वो पास में आ जाते हैं और इस तरीके से उन्हें कट करना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा होने का रीजन हम देखेंगे, उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। द अबोव थ्री एक्टिविटीज 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। यहाँ पर हमने जो भी एक्टिविटीज की उसमें हमें पता लगता है जो भी मैटर हैं उनके बीच में कोई ना कोई एक फोर्स कार्य करता है,
और ये एक फोर्स अट्रैक्शन फोर्स हम कह सकते हैं, ये अट्रैक्शन फोर्स इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक रखता है, और ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए ये अट्रैक्शन फोर्स भी अलग अलग होता है। सॉलिड के लिए यानी कि जैसे अगर हम बात करें आयरन नेल के लिए अलग है, वहीं अगर हम सॉलिड चॉक पीस की बात करें तो उसके लिए अलग है, वहीं अगर हम देखें वाटर के लिए जो कि लिक्विड फॉर्म में है उसके लिए अलग फोर्स है, वहीं अगर हम हनी की बात करें तो उसके लिए ये अलग तरह का फोर्स है। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, निम्न में से कौन से पदार्थ हैं। अब आप ये इनमें से ऑब्जर्व करके आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज योर सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। क्या कारण है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। We know that the particles of matter are continuously moving and the speed of these particles increases due to temperature increases. We experience the smell or smell of food only when the particles of the smell diffuse in the air and reach our nose. We also know that the diffusion of particles is higher at higher temperature and lower at lower temperature. So, the smell of hot food reaches us from many meters away very fast, but we have to go to it to smell the cold food. Next question, अगर हम देखें, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does it observation show? A diver in a swimming pool is able to cut water because there is less attraction force between the water particles. This is why water particles easily dissociate. This shows the properties of matter, that matter is made up of microscopic particles. Next question, what are the characteristics of the particles of matter? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? अब देखिए इसके ऊपर तो हमने काफी डिस्कशन किया है। Particles of matter have the following characteristics. Space are found between particles of matter. Particles of matter are continuously moving. There is an attraction force between particles of matter. यानी कि उनके बीच में स्थान होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन मैटर दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। So, students, we discussed states of matter. Observe different types of matter around you. What are its different states? We can see that matter around us exists in three different states, solid, liquid, and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. Now, let us study about the properties of these three states of matter in detail. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम हमारे आसपास ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि जो मैटर है यानी कि जो पदार्थ है वो तीन रूपों में हमें दिखाई देता है। हम उन्हें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन रूपों में डिवाइड कर सकते हैं। मैटर की ये जो थ्री स्टेट्स हैं, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट द सॉलिड स्टेट, इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 1.9, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ए पैन, ए बुक, ए नीडल एंड ए पीस ऑफ वुडन स्टिक। स्केच द शेप ऑफ द अबोव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? ऑल दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इन टू ईच अदर? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। Are you able to compress them? अब देखिए, हमें इस एक्टिविटी में जो काम करने को कहा जा रहा है, यानी कि हम एक पेन लेते हैं, एक बुक लेते हैं, एक नीडल लेते हैं और एक वुडन स्टिक लेते हैं, और हमें सबसे पहले उनको एक बाउंड्री बनाने का कहा है कि हम एक नोटबुक के अंदर या एक प्लेन पेपर के ऊपर पेंसिल से उसकी आउटलाइन बनाते हैं
क्या हम आउटलाइन बना पाते हैं? यस, हम उसकी आउटलाइन बना सकते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कि उनकी कोई ना कोई फिक्स शेप हमारे सामने आ जाती है। क्या इनका वॉल्यूम फिक्स है? अब देखिए, चाहे तो आप पेंसिल को टेबल पे रख दें, चाहे आप चेयर पे रख दें, चाहे दूसरे रूम में रख दें, क्या उसके वॉल्यूम में कोई फर्क आया है? नहीं। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स, दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. अब देखिए, जो भी examples हैं उसमें हमने देखा कि सभी की जो है shape है वो fix होती है, उनकी हम boundaries बना सकते हैं, ठीक है, और उनका जो volume है वो fix है। Volume fix होने का मतलब volume change नहीं होता है, हम उन्हें कहीं भी रख दें उनका वॉल्यूम वही रहता है। एक्सटर्नल फोर्स के कारण वो देखिए टूट सकते हैं, लेकिन उनकी शेप हम ये नहीं कह सकते कि एकदम चेंज हो गई है, सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है क्या, ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं वो रिजिड होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड, व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट, When kept in different jars, these takes the shape of the jar. Are they solid? What about a sponge? It is a solid, yet we are able to compress it. Why? अब देखिए, यहाँ पर कुछ situations दी गई हैं जिन पर हमें कुछ सोचना है, विचार करना है कि rubber band को हम क्या कहें, क्योंकि इसको खींचकर हम इसकी shape को क्या है बदल सकते हैं, क्या ये solid है? Next question हमें कह रहा है कि देखिए, शुगर और साल्ट को अगर हम अलग अलग जार में रखते हैं तो उनकी शेप देखिए उस जार के लायक ही हो जाती है, क्या वो सॉलिड है? और स्पंज को क्या कहें, स्पंज को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं, क्या वो सॉलिड है? ऑल द अबव आर सॉलिड सेज, ये सभी के सभी देखिए सॉलिड है, क्योंकि ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड, वेदर वी टेक्स इट इन आवर हैंड, पुट इट इन ए प्लेट और इन ए जार। ए स्पंज हैज माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं रबर बैंड के ऊपर। अगर हम रबर बैंड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप बदल जाती है, और वो एक्सटर्नल फोर्स अगर हम हटा लेते हैं तो वो अपने सेम शेप के अंदर वापस से आ जाता है, और अगर हम बहुत ज़्यादा अगर फोर्स लगा देते हैं तो वो टूट भी जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं शुगर और साल्ट के ऊपर। अब अगर हम शुगर और साल्ट की बात करें तो हम देखेंगे उन पर्टिकुलर क्रिस्टल्स की शेप कभी भी चेंज नहीं हो रही है। फिर हम बात करते हैं स्पंज की। देखिए, स्पंज में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं और उसमें जो एयर है वो फिलअप रहती है, जैसे ही हम उसे कंप्रेस करते हैं वो एयर बाहर आ जाती है, जिससे उसे कंप्रेस करना इजी हो जाता है। बाकी ये तीनों ही जो एग्जाम्पल हैं वो सॉलिड के हैं। सो वी कैन से डैट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स आर, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, they have a definite volume, they have a higher density and they have negligible compressibility. Particles of solids have a high intermolecular attraction force, diffusion in solids in very less. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकी definite shape होती है, definite volume होता है, density इनकी जो है high होती है, compressibility जो है एकदम negligible होती है, intermolecular attraction force काफ़ी high होता है, और डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं द लिक्विड स्टेट। एक्टिविटी 1.10, कलेक्ट द फॉलोइंग, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, ए कोल्ड ड्रिंक, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट ए 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी, व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ट ऑन द फ्लोर, मेजर 50 ml of any one liquid and transfer into different containers one by one. Does the volume remains the same? Does the shape of the liquid remain the same?
When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? अब देखिए इस एक्टिविटी में हमें कहा जा रहा है कि आप कुछ अलग अलग तरह के लिक्विड कलेक्ट कीजिए, फिर आप अलग अलग शेप के कुछ कंटेनर लें और उनमें 50-50 ml का जो मार्क लगा लें, और फिर किसी भी एक लिक्विड का हम 50 ml लें और उसे अलग अलग शेप के जो कंटेनर हैं उसमें डालें। फिर देखिए इनमें से किसी एक लिक्विड का 50 ml लेते हैं और उनको अलग अलग कंटेनर्स में हम डाल करके चेक करते हैं, क्या उनका वॉल्यूम और शेप पर कोई फर्क आता है? अगर हम उस लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल रहे हैं तो क्या वो आसानी से फ्लो हो रहा है? वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। अब देखिए ये जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया है इससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो भी लिक्विड्स हैं उनकी शेप फिक्स नहीं होती है लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। उन्हें जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं लेकिन उनका वॉल्यूम सेम होता है। अगर हमने 50 ml लिक्विड लिया है तो उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, वो 50 ml ही होती है लेकिन उसकी जो शेप है वो कंटेनर के अकॉर्डिंग हो जाती है। इनमें फ्लो होने की जो है कैपेबिलिटी होती है इसलिए ये रिजिड नहीं होते हैं, ये फ्लूइड होते हैं। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब देखिए एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में हमने देखा कि जो भी सॉलिड है वो लिक्विड में डिफ्यूज होते हैं और जो गैसें हैं वो भी इनमें डिफ्यूज होती हैं। वहीं लिक्विड और गैस में डिफ्यूजन की रेट सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा होती है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स हाईली अट्रैक्शन फोर्स के कारण मूवेबल नहीं होते हैं या इतना कम मूवमेंट होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल मूवमेंट होता है। वहीं लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है और उनके पार्टिकल्स फ्रीली मूवेबल होते हैं। सो द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स आर लिक्विड्स डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स ऑक्यूपाई ए फिक्स्ड वॉल्यूम। They have density larger than gas but lesser than solids. Liquids have less compressibility. The particles of the liquids have weak intermolecular attraction force. Liquids have diffusion less than gas but greater than solids. Next हम discussion करते हैं the gaseous state. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. Activity 1.11. Take 300 ml syringe and close their nozzle by rubber corks as shown in figure 1.4. Remove the pistons from all the syringe. Leaving one syringe untouched, fill water in the second and pieces of chalk in the third. Insert the pistons back into the syringe. You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe for their smooth movement. Now, try to compress the content by pushing the piston in each syringe. What do you observe? In which case, what the piston easily pushed in? What do you infer from your observations? We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospital in cylinders in compressed gas. Compressed natural gas CNG is used as fuel these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volumes of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily.
अब अगर हम गैसीय स्टेट पर डिस्कशन स्टार्ट करें तो हम देखते हैं कि बलून सेलर का एक एग्जांपल दिया गया है। और अगर हम बलून सेलर की बात करें तो उसके सिलेंडर में जो गैस होती है वो देखिए हाइड्रोजन गैस होती है। बलून सेलर जो है उस सिलेंडर के अंदर जिंक और H2SO4 यानी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाता है जिससे ZnSO4 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। तो फिर उस सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस होती है। फिर देखिए अगर हम इस एक्टिविटी पर डिस्कशन करें तो हम तीन सिरिंज लेते हैं, एक के अंदर हम एयर ही रहने देते हैं, एक के अंदर हम वाटर डालते हैं और एक के अंदर हम चॉक पीस डालते हैं और आगे उनके नोजल से हम उनको पैक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कौन सी सिरिंज इजीली कंप्रेस होती है। हम देखते हैं जिसमें एयर है वो इजीली कंप्रेस हो जाती है, जिसमें वाटर है वो थोड़ी कम कंप्रेस होती है और जिसमें चॉक पाउडर है वो सबसे कम कंप्रेस होती है। इस तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं गैसों में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर चाहे हम LPG हो या CNG हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ये तीनों ही गैसें हैं और इन तीनों को ही कंप्रेस करके भरा जाता है। इनको कंप्रेस करके जब हम भरते हैं तो इनको इजीली ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेस आवर नॉस्ट्रियल्स। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन reaches and even further away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. अब देखिए ये पके हुए खाने की जो स्मेल है ना, हम तक कुछ ही सेकंड में पहुंच जाती है। अगर हम इसका कंपेयर हम सॉलिड और लिक्विड से करें तो हम देखेंगे जो गैस के पार्टिकल हैं वो डिफ्यूजन उनका बहुत जल्दी होता है और सॉलिड और लिक्विड का जो डिफ्यूजन है वो बहुत कम होता है। अब देखिए यहाँ पर हम सॉलिड के देखें तो सॉलिड के पार्टिकल्स देखिए एकदम कॉम्पैक्टली पैक हैं। वहीं अगर हम लिक्विड के पार्टिकल्स को देखें तो देखिए लिक्विड के पार्टिकल्स में कुछ स्पेस ज्यादा है। वहीं अगर हम गैस के पार्टिकल को देखेंगे तो इनमें देखिए अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल भी नहीं है और ये इजीली मूव कर रहे हैं। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. अब देखिए जब कोई भी मैटर गैसीय स्टेट में होता है तो उसके जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है और वो रैंडमली मूवमेंट खूब ज्यादा करता है। लो अट्रैक्शन फोर्स और रैंडमली मूवमेंट ज्यादा, इसलिए वो उस कंटेनर के वॉल के ऊपर स्ट्राइक करते रहते हैं और अपना एक प्रेशर उस वॉल के ऊपर डालते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी गैस है वो उस कंटेनर के वॉल के ऊपर अपना प्रेशर डाल रही है। सो द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज आर लाइक एज ए gases do not have a fixed shape and volume. Gases do not have fixed volume. They attain the volume in which they powered. Density of gases are low. Gases are highly compressible. The particles of the gas have negligible intermolecular attraction force. Diffusion of gases is very fast. Hence, gases can be spread easily. इस तरीके से अगर हम गैसों की प्रॉपर्टीज पर बात करें तो उनका तो ना तो शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसों को जिस भी कंटेनर में डाला जाता है वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं और पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड एज आइस, liquid as the familiar water and gas as water vapor. What happens inside the matter during this change of state? What happens to the particles of matter during the change of states? How does this change of state take place? We need answers to these questions, isn't it? देखिए हम हमारे ऑब्जर्वेशन से जानते हैं कि जो वाटर है वो थ्री स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड जैसे कि आइस, लिक्विड जैसे कि वाटर और गैस जैसे कि वाटर वेपर।
अब देखिए, जब भी कोई मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है तो उस मैटर के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है कि स्टेट चेंज हो जाती है? स्टेट चेंज के दौरान मैटर के पार्टिकल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इस तरीके के प्रश्नों को नहीं ढूंढना चाहिए? तो अब हम इसी पर डिस्कशन करते हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जब भी हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो फिर मैटर पर क्या प्रभाव आएगा, या फिर हम उस पर लगने वाले प्रेशर को चेंज कर देंगे तो फिर मैटर पर क्या फर्क आएगा, इसी को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, एक्टिविटी 1.12। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विद द आइस एज इन फिगर 1.6। अब देखिए, हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और उसमें 150 ग्राम आइस लेते हैं और उसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर को इस तरीके से सस्पेंड करते हैं। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। Now, put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. Keep a careful eye on the thermometer reading till most of the water has vaporized. Record your observation for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state. अब देखिए, इस एक्टिविटी में हम एक बीकर में 150 ग्राम आइस लेते हैं और उसमें जो थर्मामीटर है वो लगा देते हैं, फिर हम उसे गर्म करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है हम वो टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं। उसके बाद में जैसे ही सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम वापस से नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो भी सॉलिड टू लिक्विड जो भी चेंजेस हुए हैं उन ऑब्जर्वेशंस को हम नोट करते हैं। अब हम बीकर में एक ग्लास रोड डालते हैं और उसे तब तक हिलाते रहते हैं जब तक कि वह पानी बॉयल ना हो जाए, और अधिकांश वाटर जब तक वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक हम थर्मामीटर के मेजरमेंट पर भी नजर रखते हैं। और इसी के साथ साथ जो वाटर की जो लिक्विड स्टेट है और वो जब अपने गैसियस स्टेट में चेंज होता है तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। Due to increases in kinetic energy, the particles starts vibrating with greater speed. The energy supplied by the heat overcomes the forces of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid. The minimum temperature at which a solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. अब देखिए, जैसे जैसे हम temperature को increase करते हैं वैसे वैसे solid के जो particles हैं उनकी kinetic energy बढ़ती है, और kinetic energy बढ़ने के कारण उसमें vibration बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे हम heat देते हैं वैसे उन particles के बीच में जो attraction force है वो लूज होने लगता है और जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूवेबल कंडीशन में आने लगते हैं। फिर एक स्टेट ऐसी आती है कि जब पूरा का पूरा सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को ही मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। किसी भी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उसके पार्टिकल्स के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसी को शो करता है, यानी उसके पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। और किसी भी सॉलिड के अगर पार्टिकल्स के बीच में लो अट्रैक्शन फोर्स होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली लो ही होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। आइस का मेल्टिंग पॉइंट केल्विन स्केल के ऊपर 273.15 केल्विन होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। अब यहाँ पर सॉलिड को हमने एनर्जी दी है और उस एनर्जी के कारण जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, इसी कंडीशन को हम फ्यूजन कहते हैं। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? अब देखिए, जब हम सॉलिड को एनर्जी दे रहे हैं और जब तक पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट नहीं होता है तब तक उसका टेम्परेचर हमें चेंज नहीं दिखाई देता है, आखिर वो एनर्जी गई कहाँ? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. एक्सपेरिमेंट में हमने ऑब्जर्व किया कि जब तक आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं होती है
तब तक उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है. दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, डैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट. दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाई ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. एज दिस हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाई आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज कंसिडर्ड डैट इज गेट्स हिडन इन टू द कॉन्टेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज नॉन एज द लेटेंट हीट. अब देखिए, हमने यहाँ पर जो बीकर को एनर्जी दी है उस बीकर की एनर्जी को ही आइस एब्जॉर्ब करती है और मेल्ट होती है, लेकिन तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी. इसलिए उस एनर्जी को हम लेटेंट हीट कहते हैं, यानी छुपी हुई उष्मा कहते हैं. द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड इन टू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नॉन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब यहाँ पर जो वर्ड लेटेंट है उसका मतलब होता है हिडन, यानी छुपा हुआ होना. अब यहाँ पर 1 kg सॉलिड को एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मेल्ट होने में जो हीटिंग एनर्जी चाहिए होती है उसे ही हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं. सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0°C और 273 K हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर. और इस कारण से हम कह सकते हैं कि 0°C के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी आइस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से ज़्यादा होती है. When we supply heat energy to water particles start moving even faster at the certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. Boiling is a bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. अब देखिए, जब भी हम वाटर को एनर्जी देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा तेजी से गति करने लगते हैं. पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पर पहुंचकर उन वाटर मॉलिक्यूल्स में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपना अट्रैक्शन फोर्स छोड़ देते हैं और लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं. और टेम्परेचर का वह पॉइंट जिस पर वो लिक्विड बॉयल होने लग जाता है उसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. और जब भी कोई मैटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी होती है कि वो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं. फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 K. 100°C इक्वल 273 + 100 = 373 K. वाटर के लिए ये जो टेम्परेचर होता है 373 K होता है. अब देखिए, हम जानते हैं सेंटीग्रेड और केल्विन में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है. 100°C का मतलब भी यही होता है कि 273 में हम 100 को जोड़ दें तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा 373 K. और अगर हम 0°C की बात करें तो 0°C जो है वो 273 के इक्वल होता है. कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन. डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पार्टिकल्स इन स्टीम, दैट इज वाटर वेपर एट 373 K have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. अब देखिए, यहाँ पर latent heat of vaporization के बारे में discussion हो रहा है, यानी latent heat of vaporization को किस प्रकार से हम define कर सकते हैं. अब जैसे हमने latent heat of fusion को define किया था, ठीक उसी way में हम latent heat of vaporization को भी define कर सकते हैं. अब देखिए, जब हम water को boil करते हैं और उसका टेम्परेचर 100°C हो जाता है, यानी 373 K, उस समय जो वेपर स्टेट है उसकी एनर्जी उस लिक्विड स्टेट से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वेपर के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास वेपोराइजेशन की लेटेंट हीट भी साथ में होती है. इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम 100° बॉयल वाटर से ज़्यादा बर्न होंगे या फिर 100° की जो वाटर वेपर है उससे ज़्यादा बर्न होंगे. हम 100° की वाटर वेपर से ज़्यादा बर्न होंगे, क्योंकि जो बॉयल वाटर है वो हमारे स्किन को सिर्फ अपर लेयर को डैमेज करेगा, लेकिन जो वाटर वेपर है उसके पास लेटेंट हीट होने के कारण वो हमारी स्किन के अंदर तक चली जाएगी और अंदर के टिश्यूज भी डैमेज हो जाएंगे. बस इसे ही हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं. अब देखिए, यहाँ पर सॉलिड स्टेट है,
और सॉलिड स्टेट को जब हम हीटिंग देते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड स्टेट को जब हम हीटिंग देते हैं तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। जैसे ही गैसियस स्टेट को हम कूल डाउन करते हैं वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को जब हम और ज़्यादा कूल करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर यानी कि आइस को लें, और आइस को अगर हम हीटिंग दें तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड स्टेट को जब हम और ज़्यादा हीट देते हैं तो वो गैसियस स्टेट यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर वेपर को जब हम कूल डाउन करते हैं तो वो वापस से लिक्विड स्टेट यानी वाटर में कन्वर्ट होता है, और वाटर को और ज़्यादा कूल डाउन करें तो सॉलिड स्टेट यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक नोट है, केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल 273.15 केल्विन। फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल 273 केल्विन आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल। अब देखिए अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर की SI यूनिट की बात करें तो वो केल्विन होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 273.15 केल्विन होता है। हम हमारी सुविधा के लिए इस डेसिमल को हटा देते हैं और इसको एक राउंड ऑफ करके हम 273 केल्विन लिख लेते हैं। टू चेंज ए टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर, एंड टू कन्वर्ट ए टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल टू द केल्विन स्केल यू हैव टू ऐड 273 टू द गिवन टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर को अगर केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो जो भी दिया हुआ टेम्परेचर है उसमें से 273 को हमें सब्सट्रैक्ट कर देना चाहिए तो हमें सेल्सियस का टेम्परेचर मिल जाएगा, और अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमें 273 को ऐड कर देना चाहिए। तो जो दिया गया टेम्परेचर है उसमें हमने 273 को ऐड किया तो हमें केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। सो We infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी मैटर के टेम्परेचर को चेंज करके हम उसकी स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। We have learnt that substances around us changes state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. इस तरीके से हमने सीखा कि हमारे आसपास सराउंडिंग्स में जो भी सब्सटेंसेज हैं उनके टेम्परेचर को अगर हम चेंज कर देते हैं तो उनकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। सॉलिड को अगर हम हीट देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड हीट के द्वारा वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। बट देर आर सम डैट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो सॉलिड से सीधे ही गैस में चेंज होते हैं, या फिर गैस से सीधे ही सॉलिड में चेंज होते हैं, उनमें बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.13, take some camphor or ammonium chloride, crush it and put it in a china dish. Put as inverted funnel over the china dish. Now heat slowly and observe. What do you infer from the above activity? अब देखिए इस एक्टिविटी में हम या तो कैम्फर यानी कि कपूर लेते हैं या फिर अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और उसको गर्म करते हैं। जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं वो मेल्ट हुए बगैर ही सीधे गैसियस स्टेट में चेंज होता है, और जो गैसियस स्टेट में चेंज होगा यानी कि उसकी जो वेपर बनेगी वो इस फनल से बाहर की तरफ निकलेगी। अब इस फनल पर हमने कॉटन प्लग लगाया है इसलिए वो गैस बाहर नहीं निकल सकती है, और वो गैस यहाँ पर जो है इकट्ठा होने लग जाती है और वो लिक्विड में बदले बिना ही डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर चेंजेस हो क्या रही हैं, यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो रही है, और गैसियस स्टेट जो है वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रही है। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हुए बगैर सीधे गैस में चेंज होता है तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, और जब कोई गैस लिक्विड में चेंज हुए बगैर सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर मींस दाब परिवर्तन का प्रभाव। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस ए गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर? Will the particles come closer? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter?
We also know that by applying pressure, we can bring the particles of matter closer and closer. So by applying pressure, solids can be converted into liquids, and further applying more pressure, liquids can be converted into the gases. देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले से जानते हैं जो भी मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, और उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही वो या तो पास पास में होते हैं या दूर दूर होते हैं, जिसके कारण वे सॉलिड, लिक्विड या गैस जैसी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। किसी सिलेंडर में भरी हुई गैस पर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है? क्या उसके पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है क्या वो कम हो जाता है? क्या आपको लगता है प्रेशर को इंक्रीज करने या फिर डिक्रीज करने से किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट है उसमें चेंज हो सकता है? अब देखिए, प्रेशर के इफेक्ट को इस डायग्राम के द्वारा समझाया जा रहा है। बाय अप्लाइंग प्रेशर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। अब देखिए, ये जो सिलेंडर है इसमें हम गैस लेते हैं और इसको पिस्टन से प्रेस करते हैं। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो देखिए गैस के पार्टिकल्स पास पास में आ जाते हैं। जब हम प्रेशर को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो देखिए पिस्टन एकदम प्रेस हो गया है और सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसके पार्टिकल्स भी एकदम पास पास में आ गए हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। यानी कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें तो जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। हैव यू हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू वन एटमोसफियर विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट। दिस इज द रीजन डैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नॉन एज ड्राई आइस। क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर जब स्टोर किया जाता है तब हम उसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है उस समय सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में आए बिना ही सीधे गैस में चेंज हो जाता है, और यही रीजन होता है कि हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। दस वी कैन से डैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस उसके प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा ही तय होती है। नेक्स्ट, इंटरकन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि हम यहाँ पर जो मैटर की तीनों स्टेट हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनका आपस में इंटरकन्वर्जन को हम समझ सकते हैं। अब देखिए, जो सॉलिड है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और लिक्विड है सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ये जो लिक्विड है ये वेपोराइजेशन के द्वारा गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और गैस जो है वो कंडेंसेशन के द्वारा लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। ये जो गैस है गैस डिपोजिशन के द्वारा सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है, और ये जो सॉलिड है सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकता है। एटमॉस्फेयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए गैस। अब देखिए, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो गैसीय प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल। प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो पास्कल होती है, और हम कह सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर जो है वो 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होती है। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर होता है उसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए, जो हमारी अर्थ है इस पर जो लैंड सरफेस है उसकी हाइट सब जगह अलग अलग होती है। कहीं पर हाइट ज़्यादा होती है यानी माउंटेन्स हैं, कहीं पर वैलीज हैं, लेकिन जो भी ओशियंस हैं उन सब का वाटर इंटरकनेक्टेड होने के कारण उनका लेवल एक माना जाता है। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम सी लेवल के अकॉर्डिंग मानते हैं, यानी सी लेवल के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो हमारी एयर का प्रेशर होता है, उसे ही हम 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं, और इसे ही नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं इवेपोरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू कॉट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट?
Water, when left uncovered, slowly changes into vapor. Wet clothes dry up. What happens to water in the above two examples? अब देखिए, किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए क्या हमें हमेशा हीट देना जरूरी होता है, और क्या हमें उसके प्रेशर को भी बदलना बहुत जरूरी होता है? हम हमारे डेली रूटीन में क्या कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता हो? जब हम वाटर को खुला छोड़ देते हैं तो हम जानते हैं वो धीरे धीरे वेपर में चेंज होता है, जो गीले कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स में वाटर कहाँ चला जाता है? वी नो डैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ लिक्विड्स ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सर्फेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इंटू वेपर This phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. अब देखिए, हम जानते हैं कि जो भी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं हमेशा मूविंग स्टेट में रहते हैं, कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। किसी भी फिक्स टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो लिक्विड की सरफेस है उस पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा होती है, और वे एक दूसरे पार्टिकल्स के जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उससे देखिए वो फ्री रहते हैं। और जब कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होता है उस कंडीशन को ही हम इवेपोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन के प्रोसेस को अफेक्टिंग करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। Let us understand this with an activity. Activity 1.14. Take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a cupboard or on a shelf in your class. Record the room temperature. Record the time or days taken for the evaporation process in the above cases. Repeat the above three steps of activity on a rainy day and record your observations. What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity on evaporation? अब देखिए, इस एक्टिविटी के द्वारा हम वाटर के इवेपोरेशन प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें 5 ml वाटर लेते हैं, उसे हम फैन के नीचे या विंडो के पास रख देते हैं। फिर हम चाइना डिश के अंदर 5 ml वाटर लेते हैं और उसे कबर्ड में रख देते हैं, और हम रूम के टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं। इन अलग अलग कंडीशन के अंदर इवेपोरेशन में लगने वाले टाइम को हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर हमें ऑब्जर्व क्या करना है? अब देखिए, हमें ऑब्जर्व करना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट है, और विंड वेलोसिटी का इवेपोरेशन पर क्या इफेक्ट है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद। अब देखिए, हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि हमारी जो इवेपोरेशन की रेट है किन कंडीशन में इंक्रीज होती है। एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। वी नो डैट इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। अब देखिए, जो सरफेस एरिया है उसके इंक्रीज होने पर जो इवेपोरेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए, हमने वाटर को टेस्ट ट्यूब और चाइना डिश में लिया। हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं चाइना डिश से इवेपोरेशन जल्दी होता है क्योंकि सरफेस एरिया चाइना डिश में ज़्यादा है, टेस्ट ट्यूब में सरफेस एरिया कम है। और ठीक इसी प्रकार हमारे डेली रूटीन में जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो भी हम उसे फैला देते हैं, क्योंकि जैसे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इवेपोरेशन रेट भी ज़्यादा होगी। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. अब देखिए, जब हम temperature को increase करते हैं तो particles को ज़्यादा kinetic energy मिलती है, और kinetic energy के कारण evaporation rate भी increase हो जाती है। A decrease in humidity. अगर हम humidity को कम कर दें, humidity is the amount of water vapor present in air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. अब देखिए, हमारे आसपास जो एयर है उसमें जो वाटर वेपर का अमाउंट है उसे ही हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर हमारे सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर ज़्यादा है
यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वेपराइजेशन रेट कम होगी, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वेपराइजेशन रेट ज़्यादा होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। रेनी सीजन के अंदर हमारी सराउंडिंग्स में ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वेपराइजेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए हमारे जो कपड़े हैं वो जल्दी नहीं सूखते हैं। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड को बढ़ा दिया जाए, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन डैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. अब जैसा कि हम जानते हैं, अगर हवा तेज चल रही है तो कपड़े भी हमारे जल्दी सूखते हैं, क्योंकि जब हवा तेज चल रही होती है तो जो वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स है वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी उनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण सराउंडिंग्स में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, और ह्यूमिडिटी कम होगी तो वेपराइजेशन रेट इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी कि इवेपोरेशन के कारण कूलिंग कैसे होती है। In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surroundings make the surroundings cold. अब देखिए, हम जानते हैं अगर open vessel में कोई liquid रखा हुआ है तो वो regular है, evaporation उसका होता रहता है। Vaporization के दौरान liquid की जो energy है उसका लॉस होता है, और वो जो एनर्जी है वो वेसल से लेते रहते हैं, इस कारण से वेसल जो है उसका टेम्परेचर डाउन आ जाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पावर सम एसीटोन ऑन योर पाम, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। अब देखिए, जब एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर को हमारी पाम के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है, जब एसीटोन हमारी पाम के ऊपर गिरता है तो हमारी पाम का जो टेम्परेचर है उससे एसीटोन वेपोराइज्ड होता है। अब जो हमारी पाम का जो टेम्परेचर है वो उस समय कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पर हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। अब देखिए, तेज धूप या किसी गर्म दिन के बाद हम छतों पर या खुले में पानी का छिड़काव करते हैं, क्योंकि जब हम पानी का छिड़काव करते हैं तो वो जो हॉट सरफेस है उसके ऊपर पानी गिरता है, क्योंकि जो पानी वेपर में कन्वर्ट होता है उसके लिए जो उसे एनर्जी चाहिए वो उस हॉट सरफेस से लेता है, और वेपराइजेशन की जो लेटेंट हीट है वो ज़्यादा होती है, इस कारण से वो जो सरफेस है वो ठंडी हो जाती है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, क्या आप अपनी डेली लाइफ से इवेपोरेशन के कोई एग्जाम्पल फाइंड आउट कर सकते हैं। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सर्फेस एंड चेंज इंटू वेपर। The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. अब देखिए, गर्मियों में हमें physical mechanism के कारण पसीना ज़्यादा आता है, जिससे हमारी body cool रहती है। अब देखिए, इसका एक reason है, हमें जो ज़्यादा पसीना आता है वह वेपर में कन्वर्ट होता है, और वेपर में कन्वर्ट होने के लिए वह हमारी स्किन से एनर्जी लेता है, और जब वह स्किन से एनर्जी लेकर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो स्किन की एनर्जी कम हो जाती है, जिससे हमें कूलिंग इफेक्ट लगता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब देखिए, बर्फीले जल से भरे ग्लास की आउटर सर्फेस पर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्यों नजर आती हैं। Let us take some ice cold water in a tumbler. Soon we will see water droplets on the outer surface of a tumbler. The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state, which we see as water droplets. अब देखिए, किसी भी वेसल में जब हम बर्फीला पानी रखते हैं तो हमारे जो सराउंडिंग्स की जो एयर है वो उस वेसल के कांटेक्ट में आती है, और हमारे सराउंडिंग एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो जैसे ही वो वाटर ड्रॉपलेट्स उस वेसल के कांटेक्ट में आती है वो वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी कारण से हमें उस वेसल के चारों तरफ
वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक इज मोर टू नो, यानी कि इसे भी जाने। नाउ साइंटिस्ट आर टेकिंग ऑफ फाइव स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखिए, जो साइंटिस्ट हैं वो मैटर की फाइव स्टेट बताते हैं। इनमें से थ्री तो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, फोर्थ नंबर की प्लाज्मा स्टेट है और फिर फिफ्थ नंबर की बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं प्लाज्मा। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेज। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियोन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। इनसाइड ए नियोन साइन बल्ब देयर इज नियोन गैस एंड इनसाइड ए फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर इज हीलियम गैस और सम अदर गैस। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड, दैट इज गेट्स चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू इट। द प्लाज्मा ग्लोज विद ए स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। अब देखिए, जो फोर्थ स्टेट है वो प्लाज्मा कहलाती है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयोनाइज्ड गैस के फॉर्मेट में होते हैं। हम समझ सकते हैं कि जो भी फ्लोरेसेंट ट्यूब और जो नियोन बल्ब है उसमें प्लाज्मा क्रिएट होता है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस होती है और जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है उसके अंदर या तो हीलियम गैस हो सकती है, नियोन, आर्गन या जीनोन, रेडोन, कोई भी गैस उसके अंदर हो सकती है। जब हम इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करते हैं तो ये गैस आयोनाइज्ड हो जाती है और चार्ज हो जाती है, जिसके कारण अंदर प्लाज्मा क्रिएट होता है और उस प्लाज्मा के कारण ही उसमें एक विशेष चमक होती है। इस प्लाज्मा के कारण ही जो सन और जो स्टार्स होते हैं वो ग्लोइंग करते हैं। इन स्टार्स में हाई टेम्परेचर के कारण ही प्लाज्मा क्रिएट होता है। मैटर की जो फिफ्थ स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन 1920 इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशंस फॉर ए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशंस अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्ट ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC। इन 2001 एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटरले एंड कार्ल ई वेमन ऑफ USA रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। द BEC इज फॉर्म्ड बाई कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर्स। अब देखिए, 1920 में जो इंडियन साइंटिस्ट हैं सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने मैटर की जो फिफ्थ स्टेट है उसके बारे में कुछ कैलकुलेशंस की और उन कैलकुलेशन के बेस पर ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैटर की फिफ्थ स्टेट की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। ईयर 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वेमन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की स्टेट को प्राप्त करने के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को अगर हम नॉर्मल एयर से कंपेयर करें तो नॉर्मल एयर की जो डेंसिटी होती है उसके 1/1000 भाग जितने कम डेंसिटी वाली गैस को बहुत ही कम टेम्परेचर पर ठंडा करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार होता है। तो देखिए, मैटर की ये जो फोर्थ स्टेट है उसे आप ट्यूबलाइट के अंदर समझ सकते हैं, नियोन बल्ब के अंदर समझ सकते हैं। इसी टॉपिक के साथ आपका चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम किसी और वीडियो में कंसल्ट करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।